वरिष्ठ सितार विद्वान श्री अरविंद पारिक जी, श्री अरविंद पारिक जी हिंदुस्तानी संगीत की महान विभूति हैं। भारतीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री अरविंद पारिक जी को संगीत नाटक अकादमी का रत्न सदस्य चुना गया है। श्री अरविंद पारिक जी इज अ लिविंग लेजेंड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक श्री अरविंद पारिक जी इज इलेक्टेड फेलो ऑफ द संगीत नाटक अकादमी। श्रीमती आर वेदवल्ली जी कर्नाटक संगीत की महान विभूति हैं। भारतीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्रीमती आर वेदवल्ली जी को संगीत नाटक अकादमी का रत्न सदस्य चुना गया है। विद्वान श्रीमती आर वेदवल्ली जी इज अ लिविंग लेजेंड ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक श्रीमती आर वेदवल्ली जी इज इलेक्टेड फेलो ऑफ द संगीत नाटक अकादमी। श्री राम गोपाल बजाज जी भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री राम गोपाल बजाज जी को संगीत नाटक अकादमी का रत्न सदस्य चुना गया है। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर श्री राम गोपाल जी इज इलेक्टेड फेलो ऑफ द संगीत नाटक अकादमी। श्री सुनील कोठारी जी को नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको संगीत नाटक अकादमी का रत्न सदस्य चुना गया है। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स श्री सुनील कोठारी जी इज इलेक्टेड फेलो ऑफ द संगीत नाटक अकादमी। श्रीमती पद्मा तलवलकर जी, श्रीमती पद्मा तलवलकर जी को हिंदुस्तानी गायन संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती पद्मा तलवलकर रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। श्री प्रभाकर कारेकर जी, श्री प्रभाकर कारेकर जी को हिंदुस्तानी गायन संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रभाकर कारेकर रिसीव्स दी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। श्रीमती कला रामनाथ जी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत वायलिन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कला रामनाथ रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वायलिन। श्रीमती नीला राम गोपाल जी को कर्नाटक गायन संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती नीला राम गोपाल रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कर्नाटक वोकल म्यूजिक। श्रीमती के उमन कुट्टी जी को कर्नाटक गायन संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती के उमन कुट्टी रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कर्नाटक वोकल म्यूजिक।
श्री जे वैद्यनाथन जी को कर्नाटक वाद्य संगीत मृदंगम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री जे वैद्यनाथन रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मृदंगम. श्री मैसूर मंजूनाथ जी को कर्नाटक वाद्य संगीत वायलिन के क्षेत्र में उनके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री मैसूर एम मंजूनाथ रिसीव द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. श्री निथोजम श्याम संगीत जी को संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएं नट संकीर्तन मणिपुर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री निंगंथजोम श्याम सन सिंह रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नट संकीर्तन ऑफ मणिपुर. श्रीमती रत्नमाला प्रकाश जी को संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएं सुगम संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्रीमती रत्नमाला प्रकाश रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुगम संगीत. श्री अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड joint award for his contribution to other major traditions of music, Sangeet, Sugam Sangeet. श्रीमती गीता चंद्रन जी को भरत नाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्रीमती गीता चंद्रन रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू भरत नाट्यम. श्री जितेंद्र महाराज जी को कथक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री जितेंद्र महाराज रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कथक डांस. श्री कला मंडलम रामचंद्रन उनिथन जी को कथकली के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री कला मंडलम रामचंद्रन उनिथन जी रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कथकली. श्री माइसनाम कामिनी कुमार सिंह जी को मणिपुरी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री माइसनाम कामिनी कुमार सिंह रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मणिपुरी डांस. श्रीमती ए बी बाला कोंडला राव जी को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्रीमती ए बी बाला कोंडला राव रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कुचिपुड़ी डांस. श्री रतिकांत महापात्रा जी को ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओडिसी डांस. श्री हरिचरण भूया बोरबॉयन रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हॉत्रिया डांस.
आपको सत्रीय नृत्य के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गोपाल प्रसाद दुबे जी को छऊ नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। He receives the संगीत नाटक अकादमी फॉर हिज contribution टू छऊ डांस। श्रीमती अनीता रत्नम जी को समसामयिक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती अनीता रत्नम रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंटेम्प्रेरी डांस। श्रीमती कुसुम कुमार जी को भारतीय रंगमंच में नाट्य लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कुसुम कुमार जी रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एज प्ले राइट। श्री सत्यव्रत राउत जी को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एज डायरेक्टर। श्री बिपिन कुमार जी को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एज एन डायरेक्टर। श्री राजकमल नायक जी को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एज अ डायरेक्टर। श्री गिरीशन वी जी को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गिरीशन वी रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एज एन एक्टर। श्री मोहन जोशी जी को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एज एन एक्टर। श्रीमती अंजना पुरी जी को रंगमंच से संबद्ध कलाएं नाट्य संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। शी रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एलाइड थिएटर आर्ट्स दैट इज म्यूजिक फॉर थिएटर। श्री के गोविंद भाट जी को नाट्य की अन्य प्रमुख परंपराएं यक्षगान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री के गोविंद भाट रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर मेजर ट्रेडिशंस ऑफ थिएटर यक्षगान। श्रीमती अन्ना बतुल्ला लक्ष्मी मंगतायारू तथा श्रीमती अन्ना बतुल्ला लीला साई जी, श्रीमती अन्ना बतुल्ला लक्ष्मी मंगतायारू एवं लीला साई जी को आंध्र प्रदेश के पारंपरिक नाटक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी का संयुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
They received the Sangeet Natak Akademi Award, joint award for their contribution to traditional theatre of Andhra Pradesh. Shri Yogesh Gadhvi ji. श्री योगेश गढ़वी जी को लोक संगीत गुजरात के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात. श्री विद्यानंद सरेख जी को लोक संगीत हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. ही रिसीव्स द एसएनए अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल प्रदेश. श्री लक्ष्मीधर राउत जी को पाला उड़ीसा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री लक्ष्मीधर राउत रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पाला ऑफ उड़ीसा. श्री गुलजार अहमद गनाई जी को चक्री संगीत जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. श्री ब्रज किशोर दुबे जी को लोक संगीत बिहार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फोक म्यूजिक ऑफ बिहार. श्री प्रभितांशु दास जी को पुतुल कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. ही रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पपेट्री. श्री दत्तात्रेय अरली काटे जी को पुतुल कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री दत्तात्रेय अलाकी कट्टे रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पपेट्री. श्री अविनाश पसरीचा जी को प्रदर्शन कलाओं में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री अविनाश पसरीचा जी रिसीव्स द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड for his overall contribution to performing arts.